फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हिट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। जलपल्ली म्युनिसिपल के इलाके कोमती कॉलोनी वार्ड नंबर 16 में सीसी रोड और ड्रेनेज लाइन ना होने की वजह से अवाम को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर बीजेपी काउंसलर बी यादगिर और बीजेपी माइनॉरिटी लीडर सैयद ख्वाजा पाशा ने मिलकर यहाँ का पैदल दौरा करते हुए जलपल्ली म्युनिसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला सादी से नुमाइंदगी करते हुए इन कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल कराने का मुतालबा किया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज जलपल्ली म्युनिसिपल के इलाके 16 नंबर वार्ड यूनानी हॉस्पिटल कुमटी कॉलोनी पर मैं हमारे 16 नंबर के काउंसलर बीजेपी के बुरमाया यादगिरी वहाँ पर दौरा करे, क्योंकि आवाम की तकलीफ ये थी कि वहाँ पर सीसी रोड और ड्रेनेज का काम नहीं हो रहा है और लोगों को बहुत दुश्वारी हो रही है, और वहाँ के कब्रस्तान का भी दौरा करें जो स्टिक लेडों के लिए आवाम वहाँ पे हमारे को बोली है, यहाँ पे दौरा करें। हम अंदरा श्री रामलो मैथरम कॉन्स्टेंसी की जानिब से आवाम के दरमियान मिलेंगे और आवाम की मुश्किल को आसान करते देंगे। हमारे अब्दुल्ला साथी चेयरमैन से नुमाइंदगी कर और म्युनिसिपल कमिश्नर से नुमाइंदे कर यहाँ के कामों को अंजाम तक लेंगे और चेयरमैन साहब का दौरा भी करेंगे वहाँ पर। तो मैं वहाँ की आवाम को तोहफ़ा दिया हूँ, हमारे यादगिरी साहब भी तोहफ़ा दिए हैं कि पहले हम डिसमेंटल के गाड़ियाँ वहाँ पर जो आवाम को चलने तकलीफ हो रही वो काम करेंगे, उसके बाद ड्रेनेज का काम करेंगे और सीसी रोड का काम होगा और कब्रस्तान का काम सुबह में पहले काम होगा। और इंशाल्लाह बीजेपी पार्टी बोल के नहीं है, हम आवाम के दरमियान में रहकर हर काम को अंजाम तक पहुंचाते जाएंगे। अभी मराठा भवन के तरफ भी सीसी रोड का काम चल रहा है, जलपल्ली गेट से जो गांव को रोड जाती है जलपल्ली गेट के पास से, वहां पर भी सीसी रोड और डामर रोड का काम चल रहा है। तो हम जहां तक हो सके नुमाइंदगी कर काम को अंजाम तक पहुँचाते जाएंगे। मैं मीडिया के जरिए से यही बोलना चाह रहा हूँ आवाम को, कोर्ट रेडी भी मेरी ऑफिस में बन रहे हैं, यहाँ पर जो बीजेपी पार्टी ऑफिस है वादी हदीस पर, आप अपना आधार कार्ड और वोटर आई डी बनाने के लिए लाइट की बिल और फोटो भी लाइए, फ्री, कोई इसके चार्जेस नहीं है। वो भी मैं कुमटी कॉलोनी के लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग आकर इससे फ़ायदा पहुँचा लीजिए। और यहाँ पर जितने भी तराखती कामा हैं, जैसा कि यादगिरी साहब बीजेपी के काउंसलर हैं, मगर जितना बड़ा काम जो दो रोड का करा रहे हैं ऐसा कोई वार्ड में नहीं है जो आज जो काम चल रहा है। तो हम अंदरा श्री रामलो मैसराम कॉन्स्टेंसी इंचार्ज जो रामलो साहब है उनकी जानिब से हम काम करते रहेंगे और आवाम के दरमियान में रहेंगे और आवाम की राहत पहुंचाते जाएंगे। सवालकुम, सबको आदाब। आज हमारे साथ काउंसलर साहब आजी नवाब साहब और हमारे माइनॉरिटी लीडर खाजा भाई और इधर कॉलोनी है मेरे भाई लोग मेरे साथ है। आज मैं भाई लोगों को यही बोल रहा हूँ, पहले ड्रेनेज डलाता हूँ, ड्रेनेज का इंस्ट्रूमेंट डाल के ड्रेनेज डलाता हूँ। कंपलसरी ड्रेनेज होने के बाद सीसी रोड भी डलाएंगे और गलियों में भी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी तकलीफ है, सब लोग मेरे साथ लेके आओ। मैं एक एक काम करने को रेडी हूँ, ऐसा नहीं है कि इधर का उधर का, ऐसा नहीं है। हम ज़रूरी काम कराएँगे, नेक्स्ट बजट में कंपलसरी इधर ड्रेनेज का तो लगाता हूँ। थैंक यू। वार्ड नंबर क्या है? ये वार्ड नंबर 16 है, ये जलपल गेट, अहमद अशरफ कॉलोनी, कोंटी कॉलोनी, सर्वे नंबर 90। खबर है शहर की, खबर है गांव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।